देख के लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट से मंगाया गया है ये कोफ्ता, लेकिन ये बना है घर पर और बहुत ही आसानी से। हेलो एवरीवन, बोल में ग्रेवी डालें और सीधे कोफ्ते को सर्व करें। इतना सॉफ्ट कोफ्ता बिना बेसन, बिना कॉर्नफ्लोर, बिना मैदे का बनेगा। होटल के कोफ्ते से 100 गुना टेस्टी, बहुत ही बेसिक मसाले, बेसिक इंग्रेडिएंट से बहुत ही कम टाइम में बनेगा ये कोफ्ता। आप होटल से मंगाना भूल जाएंगे। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, ये कोफ्ता बहुत ही झटपट और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो ऐसा करिए, केला, 2 बड़े प्याज, 3 टमाटर, हरी मिर्च और 8-10 लहसुन की कलियाँ सबको एक साथ कुकर में डालें। केले को नीचे, प्याज टमाटर को ऊपर और साथ ही 1/2 ग्लास के लगभग पानी लें और कुकर को 1 सीटी लगा दें। कुकर ठंडा हो जाएगा तो ऊपर से प्याज टमाटर इस तरह से निकाल लें, ऊपर ही है तो निकालने में दिक्कत नहीं होगी। प्याज टमाटर को अलग प्लेट में रख लिया और केले को छन्नी में रख दें। वैसे तो पानी नाप के डाला है लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। इसके बाद केले को मैश कर लें। कुकर को गैस पे सीटी लगने के लिए चढ़ाएं, तभी मसाले को भी तैयार कर लें। एक बोल में सारे मसाले को इकट्ठा करेंगे। एक बोल में ले रही हूँ 2 चम्मच दही, फ्रेश दही है ये। साथ में 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, 1.5 से थोड़ा कम ही लिया है मैंने, 1/4 चम्मच के लगभग। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और इसका 1/2 काली मिर्च पाउडर। ये मसाले लगभग लगभग हर घर में होते हैं, काली मिर्च पाउडर भी डाल दिया है। साथ में 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और इसके साथ खास इंग्रेडिएंट 1 टेबल स्पून बेसन भी ऐड कर रही हूँ इसमें। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं तीखा के लिए, नमक स्वाद अनुसार। साथ में 1-2 चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, गाढ़ा घोल तैयार करेंगे इसका। अगर आपको नमक का अंदाज ऐसे नहीं मिल रहा है, आप बिगनर्स हैं, तो आप बाद में ग्रेवी में भी नमक डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी और ऐड करें, पानी अच्छे से डालना है। मसाले 10-15 मिनट ढक के रखने से फूल जाएगा और ये आपका जैसे सिल्क का मसाला रेडी होता है वैसा बनेगा। अब ये प्याज टमाटर लहसुन को मिक्सी में पेस्ट बना लें। केले में हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर जरा सा और नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है। कोफ्ते के बॉल को चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट और साथ में 1 बड़ा प्याज क्रश करके डाला है। अजवाइन 2-3 पिंच के लगभग, इसे भी क्रश करके अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। मसाला मैंने साइड में रख दिया था, प्याज टमाटर मिक्सी में पेस्ट बना लिया है। तेल गरम करें, अब इसमें केले के कोफ्ते फ्राई करेंगे। 1 चम्मच के लगभग मिक्सचर लें, इसे बॉल का शेप दें और तेल में डालते जाएं। फुल फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है, एक साइड लाल हो जाएगा, इसे पलट कर दूसरे साइड भी लाल करेंगे। इसके बाद तेल से निकाल लेंगे। फ्लेम को मीडियम ना करें वरना बॉल में तेल चला जाएगा और बाद में बॉल में तेल का स्वाद आएगा। फुल फ्लेम पर अच्छे से लाल हो जाए इसके बाद ही पलटें और स्पून की सहायता से पलटें, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आप बिगनर्स हैं तो एक साथ ज़्यादा बॉल ना डालें, जितना आप एक बार में फ्राई कर सकें उतना ही डालें। अब एक साइड इसे करके बाकी बचे जगह पे मैं और भी बॉल्स डाल रही हूँ, जिससे फटाफट हमारा काम हो जाए। दोनों तरफ से कोफ्ते हमारे लाल हो गए हैं तो इसे अब पैन में से निकाल लें और इसकी जगह पे बाकी कोफ्ते को भी इसी तरह से फ्राई कर लें। इसी पैन में अब मसाला भूनेंगे। तड़के में डाल रही हूँ जीरा, साथ में 2 तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची, इसे क्रश करके डालेंगे। पैन में जो ज़्यादा तेल था वो मैंने बोल में निकाल दिया है। जितने तेल में मसाला बनाना है बस उतना ही तेल पैन में रखें। साथ ही डाल दें 2 पिंच हींग। जीरा चटकने लगेगा तो प्याज टमाटर वाला पेस्ट डालना है, लेकिन इससे पहले अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालें और इसके बाद आप प्याज टमाटर वाला पेस्ट डालें। इससे आपके कोफ्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। प्याज टमाटर सीटी लगा लिया था, पका लिया था, तो इसे पकाना नहीं है हमें, तो हाई फ्लेम पर ही 1-2 मिनट चलाते हुए भून लेंगे। बिना मसाला ऐड किए ही देखिए ये कितना मसालेदार दिख रहा है। 1 मिनट हो गए हैं प्याज को भूनते हुए, तो अब इस स्टेज पर मसाले ऐड करेंगे। बोल में जो मसाला मिक्स किया था वो सारे मसालों को डाल दें। मसाले वाले बोल में ही 1-2 चम्मच पानी लेकर उसे भी मिक्स कर दें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर 2-3 मिनट तक चलाते हुए भूनना है, जब तक मसाला हमारा तेल ना छोड़ दे।
मीडियम टू लो फ्लेम पर मसाले को 2-3 मिनट भून लिया है। देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है, एक पहचान तो ये है। दूसरा क्लोजअप करके दिखा रही हूँ, मसाले का कलर भी चेंज हो जाता है। तो इस स्टेज पर अब हम पानी ऐड करेंगे। कोफ्ते के ग्रेवी को थोड़ा पतला ही रखना चाहिए क्योंकि कोफ्ते के बॉल को डालने के बाद ग्रेवी गाढ़ा हो जाता है। अब इसमें पानी के साथ ही मसाला ऐड कर रही हूँ, 1/2 चम्मच गरम मसाला, आप रेडीमेड भी डाल सकते हैं और घर का पिसा हुआ मसाला भी ले सकते हैं। ग्रेवी देखिए इतना पतला रखा है मैंने। एक बार उबाल आने के बाद फ्लेम को लो करें और 2-3 मिनट तक पकने दें। 3-4 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी पक गई है, तो अब गैस के फ्लेम को ऑफ करें। कोफ्ते को सर्व करने के लिए बोल में मैंने कोफ्ते के बॉल को रख लिया और ऊपर से गरम ग्रेवी डालेंगे। घर में गेस्ट आने वाले हैं, कोफ्ते आपने पहले रेडी कर लिए हैं तो कोफ्ते को अलग और ग्रेवी को अलग रखें। जब सर्व करना हो ग्रेवी को दोबारा गरम करें, कोफ्ते को बोल में सेट करें और ऊपर से गरम ग्रेवी कोफ्ते पर डाल दें। यकीन मानिए 1-2 सेकंड में ये कोफ्ता आपका बहुत ही सॉफ्ट, रुई जैसा मुलायम, बहुत ही टेस्टी कम मसाले में बना ये कोफ्ता, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको प्लेट में निकाल कर भी दिखा रही हूँ, वीडियो में देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ये कोफ्ता एकदम सॉफ्ट, रुई जैसा मुलायम। ये कोफ्ता एकदम गर्म है, 1 मिनट बाद देखिए मैं दोबारा इसे दिखा रही हूँ आपको। थोड़ा ठंडा होने के बाद ग्रेवी एकदम गाढ़ा हो गया और कोफ्ते हमारे डबल साइज के हो गए हैं। गुलाब जामुन भी फेल है इस कोफ्ते के। अगर आपको ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा इस तरह के आगे वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू।